हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप देवनाथ और आज मैं बात करूंगा वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई के बारे में। तो वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई क्या है, इससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि रेस्ट एपीआई क्या है। एपीआई हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लेकिन ये जो रेस्ट होता है, ये रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रेस्ट एपीआई क्या है। तो रेस्ट एपीआई यहाँ पे डेफिनेशन जैसे कि बता रहा है कि रेस्ट एपीआई आल्सो रेफर टू एज रेस्ट वेब सर्विसेज इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, एन आर्किटेक्चरल स्टाइल अप्रोच टू कम्युनिकेशंस ऑफन यूज्ड इन वेब सर्विसेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि REST API हम लोगों का वेब सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे ये एक टेक्नोलॉजी है जो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है एंड अप्रोच टू कम्युनिकेशन। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक आर्किटेक्चरल मेथड है जिससे हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही है REST API। तो REST API क्या है और REST API इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, इससे पहले क्या था? REST API से पहले और एक दूसरा मेथड था API का, SOAP API, SOAP, SOAP, ठीक है। तो वो SOAP API रिप्लेस हुआ REST API से, क्यों रिप्लेस हुआ ये पहले हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन SOAP एंड REST। तो SOAP क्या है? SOAP stands for सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड REST stands for रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। तो ये दो SOAP और REST का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि SOAP में क्या है, एक प्रोटोकॉल है SOAP, और REST में क्या है, REST एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो SOAP में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि SOAP का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट रो में देखिए, यहाँ पे SOAP में हम लोगों को XML यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो XML का डेटा देखिए, यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क XML वर्शन 1.0 जो शुरू हुआ है, वहाँ से लेके आखिर तक ये पूरा एक डेटा जा रहा है, ठीक है। उसके जगह पे अगर हम लोग REST पे जाएंगे तो REST पे देखिए, ऐसे हम लोगों का डेटा जाएगा नीचे का लाइन का जो है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का डेटा जा रहा है, एक पर्टिकुलर मैनर पे हम लोग लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से जा रहा है। और SOAP में क्या है, SOAP में XML फॉर्मेट में ही काम होता था, ठीक है। लेकिन REST में क्या है, बहुत सी अलग अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML, XML, JSON, लेकिन प्रेफरेबल है क्या, JSON इसमें प्रेफरेबल है, ठीक है। तो जेसन मोस्टली यूज़ होता है REST API के लिए। तो REST API क्या करता है, REST API के थ्रू हम लोग क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे CRUD, ठीक है। तो यहाँ पे C stands for create, R for read, U for update, D for delete। तो हम लोग REST API यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं डेटा, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है REST API। तो WordPress में ये REST API क्यों आया है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो WordPress REST API के लिए पहले हम लोग गूगल में सर्च करेंगे WordPress REST API, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद पहला जो सर्च रिज़ल्ट आ रहा है, पहले सर्च रिज़ल्ट में यहाँ पे हम लोगों का प्लगइन्स डिस्प्ले हो रहा है, और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे developer.wordpress.org REST API। तो यहाँ पे हम लोगों का REST API के लिए WordPress के तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस, WordPress के तरफ से यहाँ पे हम लोगों के REST API के लिए डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या है, WordPress
के लिए यहाँ पे जेसन जेसन के ऊपर ही ये लोग काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर रेस्ट एपीआई में हम लोग जैसे देखें कि जेसन के ऊपर ही रेस्ट एपीआई में काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस जेसन के ऊपर या रेस्ट एपीआई के ऊपर क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे एक चीज़ है, वर्डप्रेस जैसे कि आप जानते हैं कि पीएचपी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन पीएचपी के ऊपर बेस्ड होने से एक डिसएडवांटेज है कि पीएचपी आजकल ज़्यादा उतना ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल डिवाइसेस है, उसके लिए अलग अलग टाइप का ऐप बनाना पड़ता है, एप्लीकेशंस अलग अलग टाइप का रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डेटा का इंटरेक्शंस होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सबसे बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री जावास्क्रिप्ट के तरफ मूव हो रहा है, लेकिन वर्डप्रेस जैसे कि इसका कोड पीएचपी के ऊपर ही डेवलप किया हुआ है और ये स्टेबल होने के लिए ये इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो वर्डप्रेस तुरंत ऐसे चेंज नहीं कर सकता है कि हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे। तो क्या होगा अगर ऐसे कोड चेंज हो जाएगा, तो इसका कॉम्पेटिबिलिटी इशू आएगा, बहुत सारा वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, नहीं चलेगा, अपडेट होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग क्या किए, ये लोग रेस्ट एपीआई को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई इंट्रोड्यूस करने के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जब रेस्ट एपीआई के थ्रू सारे डेटा का इंटरेक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी लेवल कम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस यूज़ करके वर्डप्रेस का हम लोग बैकएंड यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग लिमिटेड नहीं है कि हम लोगों को पीएचपी के ऊपर ही काम करना होगा। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में हम लोग ऐप क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे वर्डप्रेस का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये लोग REST API के तरफ मूव हुआ है। और आप जैसे जानते हैं कि वर्डप्रेस 5 वर्जन में ये लोग एक गुटेनबर्ग नया एडिटर भी ला रहे हैं, वो एडिटर भी आपका JS के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो गुटेनबर्ग के ऊपर मेरा एक ट्यूटोरियल बना हुआ है, आप आई बटन से जाके देख सकते हैं। तो REST API के लिए बात करते हैं, तो REST API में यहाँ पे हम लोग आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे REST API में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्डप्रेस एंड पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या है, बेसिकली अगर हम लोग किसी भी वर्डप्रेस साइट पे अगर विजिट करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने साइट पे जाता हूँ, मेरे साइट पे मैं pradeepdevnath.com/wp-json/wp-v2/post, ठीक है। तो यहाँ का जो सेक्शन है, ठीक है, ये wp-json/wp-v2/post, ये जो सेक्शन है, ये वाला URL पे आप किसी भी वर्डप्रेस साइट के डोमेन के बाद ये वाला सेक्शन अगर आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जेसन डेटा दिखेगा हम लोगों के पोस्ट का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जेसन डेटा आ गया है, और ये जेसन डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये सही से अभी दिखा रहा है। तो ये अच्छे से ह्यूमन रीडेबल दिखने के लिए मैं यहाँ पे एक अपना क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे अभी जैसे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम लोगों का क्या क्या डेटा है और किस हिसाब से हम लोग इसको फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये पोस्ट है, ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग मीडिया के लिए भी देख सकते हैं, देखिए मीडिया के लिए भी है, ठीक है, यूज़र्स के लिए, पेजेस के लिए। तो मतलब वर्डप्रेस में जितना भी सेक्शन है, जितना भी कंटेंट रहेगा, हर एक कंटेंट को हम लोग REST API के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो
यही है वर्डप्रेस का एंड पॉइंट्स, ठीक है, रेस्ट एपीआई का एंड पॉइंट्स। तो इसी एंड पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग काम करके हम लोग एपीआई को कॉल कर सकते हैं, और एपीआई कॉल करके यहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई करके हम लोग गेट में क्या करेंगे, डेटा ले पाएंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे, और उसी रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर से हम लोगों के पास डेटा आएगा, और पोस्ट रिक्वेस्ट से हम लोग डेटा सबमिट कर सकते हैं हम लोगों के डेटाबेस में। तो यही कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे मैं जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन जो यूज़ कर रहा हूँ इस जेसन डेटा को ह्यूमन रीडेबल दिखाने के लिए, ये जो अच्छे से दिखा रहा है, हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जेसन व्यूअर, ठीक है, ये जो जेसन व्यूअर क्रोम एक्सटेंशन है, यही एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोगों का एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों के वर्डप्रेस के साथ आता है, ये जेसन डेटा। और इस एपीआई के रिगार्डिंग हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं वो ट्यूटोरियल अपलोड करूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, आप वो वीडियो ना मिस करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि REST API के ऊपर और भी ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप। तो आपके साथ फिर से बात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।